क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल से सॉल्यूशन करेंगे, ज़्यादा हम लोग मतलब एक्सपेंड करने का नहीं सोचेंगे, ज़्यादा मतलब क्वेश्चन देख के ही नहीं करेंगे। 1 to the power 3 करेंगे तो सीधे से 1 आएगा, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर रहे आना 1 ही है। अब 2 to the power 3 करेंगे तो 8 आएगा, क्यों? 2 into 2 into 2, दैट मीन 8। एंड 3 to the power 3 करेंगे, देन 3 into 3 into 3, देन 3 3 9, 9 3 27 बाय 1/2, दैट मीन 8 और 1 9 प्लस 27 1/2, दैट मीन 9 और 7 एंड 3 1/2, 27 प्लस 9 36, और 36 इसका स्क्वायर होता है 6, द 1/2, 2 2 कैंसिल, दैट मीन 6 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कैसे देखिए, 5 हो गया, 8 है, तो दैट मीन 2 to the power 3, और ऑलरेडी इनके पास पावर है 1/3, लिख दी प्लस। अब 27 है, दैट मीन 3 to the power 3 इंटू इतना है ऑटोमेटिक पहले से 1/3 दे दिए, और सबके ऊपर है होल क्यूब, दैट मीन 1/4। यहाँ तक आई होप समझ में होंगे। 3 3 कैंसिल, दैट मीन 5 2 plus 3 to the power 3, दैट मीन 1/4। अब समझिए, 5 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारे पास, 5 to the power 3 बाय 1/4। अब यहाँ से समझना है आपको, अब क्या हम इसको ये है इसके ऊपर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो 5 to the power 1 इंटू 5 to the power 3, दैट मीन 5 to the power 4। सिंपल, क्योंकि 8 to the power m इंटू 8 to the power n इक्वल टू 8 to the power m प्लस n, देन यहाँ पे लिख सकते हैं 5 to the power 4 इंटू 1/4, दैट मीन 4 4 कैंसिल, दैट मीन 5 इज आवर आंसर। दिस इज द इजी क्वेश्चन, क्योंकि 2 to the power 0 दैट मीन 1 प्लस 7 to the power 0 1 बाय 5 to the power 0 दैट मीन 1, दैट मीन 1 1 2 by 1, दैट 2 इज आवर आंसर। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, 16 है ना, तो हम 16 का क्या कर रहे थे, 2 to 2 2 to 4 4 to 8 8 to 16, यस 1/4, 2 to the power 4 आ गया था हमारे पास, क्योंकि 16 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 आएगा, दैट मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, दैट मीन सिंपली 2 to the power 4 कह सकते हैं हम उसको। अब देखिए 1/2 और इंटू 1/2, क्योंकि पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 2 to the power 4, दैट मीन 1/4। ठीक है, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, दैट मीन 2 इज आवर आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ ये क्या है न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल तो हो ही सकता है। क्लियर है यहाँ तक?